2019 में लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के नाम को भी अलग कर दिया गया था। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर यह चुनाव लड़ा था, सीधी लड़ाई भाजपा से लड़नी है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मात देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को डाउन करना पड़ेगा। लालू प्रसाद ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ कहाँ कमजोर है और कहाँ कहाँ वो मजबूती के साथ उन पर दबाव बना सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भीतर की बात। भीतर की बात में हम आपको खबर दिखाते हैं, वो खबर जो सबसे अंदर होती है उसको बाबा जो हैं वो ऊपर लाते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव 2024 वाली नई, जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है, जो पुरानी फॉर्म में वापस आए हैं, लेकिन उसके पीछे 2025 में नीतीश कुमार को चित करने की किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, हम उस पर बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बाबा भी जुड़े हुए हैं। बाबा जी, लालू प्रसाद यादव अपनी पुरानी जो उनकी जो चाल है उसमें नजर आ रहे हैं 2025 में नीतीश कुमार को चित करने की प्लानिंग 2024 से? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद का बहुत ज्यादा लेना देना लोकसभा चुनाव से नहीं है जी। लोकसभा चुनाव में 2019 में आपने देखा होगा कि पूरी तरह से सुनामी आ गया था, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2020 में प्रदर्शन उनका बेहतर हुआ था, लगभग वो सत्ता के करीब पहुंच गए थे, लेकिन कुछ कमियां रह गई। लालू प्रसाद ने उस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए 2024 में ही 25 का पूरा पूरा प्लान बना लिया है जी। और यही कारण है कि उन्होंने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं कि 2020 में क्या हुआ था, ये पहले समझना जरूरी होगा, क्योंकि जब 2024 से पहले हम 25 की बात कर रहे हैं और लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी होगा 2020 और 19 में हुआ क्या था। 2019 में लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के नाम को भी अलग कर दिया गया था और तेजस्वी यादव ने अपने दम पर यह चुनाव लड़ा था, पर परिणाम सबको पता है। 2020 में लालू बैक तो हुए, लेकिन लालू सदैव नहीं थे, उनके स्ट्रेटजी नहीं थी, उनका सिर्फ तस्वीर लगा करके तेजस्वी यादव ने कोशिश किया कि वो फतह कर ले किला, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो आखिर हुआ क्या और इसके पीछे का कारण क्या रहा था? तो लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी रही थी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा था कि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इनमें से अधिकांश सीटें जो है 2020 में आपको पता है कि कांग्रेस के खेमे में था, 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। इन सारी बातों को लेकर के मंथन करने के बाद कुछ ऐसी सीटें थी जो कमजोर कड़ी थी, जिस पर यह समझ में आ रहा था कि लालू प्रसाद अगर होते तो उस पर कैसे लड़ते। उन सारी चीजों को, सारे समीकरण को बैठा करके कोसी सीमांचल और पूर्वांचल की जो सीटें हैं उनमें से इस बार पूरी स्ट्रेटजी बदल दी गई है। ये कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं लालू प्रसाद जी। अब समझ ही सकते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या होगी। 2020 में हुआ क्या था कि सीमांचल में आपने देखा होगा AIMIM, हालांकि बाद में वो सीटें उनको मिल गई थी, वो लोग आकर के AIMIM के 6 में से 5 में से 4 उनके साथ मिल गए थे, लेकिन उससे उनके सत्ता तक पहुंचने की बात सफल नहीं हो पाई थी जी। अभी भी वो सत्ता से दूर थे। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो 2025 में अगर चुनाव जीतना है, लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को आउट करके तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठाना है जी, सीधी लड़ाई भाजपा से लड़नी है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मात देना पड़ेगा, नीतीश कुमार को डाउन करना पड़ेगा। और इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना चुके हैं। लालू प्रसाद ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ कहाँ कमजोर है और कहाँ कहाँ वो मजबूती के साथ उन पर दबाव बना सकते हैं जी। 16 सीटों की बात अगर करें तो आपको पता है कि 16 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार भाजपा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के भरोसे हैं जी, क्योंकि वो अपने दम पर ये चुनाव न तो जीत सकते हैं न उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आपको बता दें कि 2019 में कांग्रेस ने जिन सीटों की बात हम कर रहे हैं उनमें से अधिकांश सीटें, जिसमें से 5 प्रत्याशी को अपने चुनाव मैदान में उतारा था, अब जो परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस से 2 सीटें ले ली गई हैं जी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कांग्रेस कुछ स्ट्रेटजी बना रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया, जैसे पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार, निखिल कुमार, मीरा कुमार, ये सारे लोग जो थे वो या तो तेजस्वी यादव को डैमेज कर रहे थे या फिर राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज कर रहे थे।
मीरा कुमार को लेकर के जो बातें थी कि मीरा कुमार पिछला चुनाव हार चुकी थी, मीरा कुमार को खुद चुनाव लड़ना नहीं था, उनके बेटा पर बिहार की जनता कितना भरोसा करेगी, ये सारी स्ट्रेटजी चल रही थी। इसके अलावे निखिल कुमार एक लंबे समय से औरंगाबाद में, आपको पता है कल ही आप लोगों ने शायद खबर भी किया था कि औरंगाबाद में दो ही परिवार का वर्चस्व रहा है, इस बार उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो है पूर्वांचल, सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में, यानी पूर्वी बिहार के जो 11 सीटें हैं उस पर चल रहा है, जिसमें मुंगेर, पूर्णिया और सुपौल, ये 2019 में किसके पास था, ये सीटें थी कांग्रेस के पास। इस बार पूरी स्ट्रेटजी बदल गई है, इस बार ये सभी सीटें उलट पलट करके मामला जो है अपने हिस्से में कर लिया है, जिसमें मुंगेर की सीट आपको पता है कि कांग्रेस के पास पहले थी, इस बार इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना अधिकार जमा लिया है। पूर्णिया की सीट जो कांग्रेस के पास थी उसे इस बार रख लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। सुपौल की सीट इस बार राष्ट्रीय जनता दल के पास है। यानी कि इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए जोड़ घटाव करके, तो 11 सीटों पर जेडीयू ने सीधा मुकाबला जो है वो राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती थी, और इन 11 सीटों में से अधिकांश सीटें अपने पास रख करके वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमियों को जानते हुए ऐसा प्रयोग कर रही है, और यही कारण है कि लाख चाहने के बाद भी कांग्रेस को यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा है। अब हम 2024 और 25 की चर्चा जो कर रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं इस बात को कि राष्ट्रीय जनता दल जमुई में चुनाव लड़ रही है, इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के साथ यहाँ इसका सीधा मुकाबला है। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें जदयू से खगड़िया में, सीपीएम जो है वो खगड़िया में चुनाव लड़ी, तो एलजेपी से यहाँ सामना सामने उसका होगा। तो वही लेफ्ट भी है इन सीटों पे अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। 2019 की बात करें तो पूर्वी बिहार के सीटों में कांग्रेस 5, जेडीयू 4 और वीआईपी आरएलएसपी को एक एक सीट मिला था, क्योंकि उस समय ये महागठबंधन के हिस्सा थे जी। इसमें आरजेडी के पास जमुई था, मुंगेर था, बांका था, अररिया था, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया, जो अब 24 में अपने हिस्से में कर चुकी है, जो 19 में ये सीटें उसके पास सभी में नहीं थी। जैसे जमुई की सीट, मुंगेर की सीट, बांका की सीट, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया की सीटें, जो ये 7 सीटें हैं ये अपने पाले में रख लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। तो वहीं भागलपुर, कटिहार और किशनगंज, जो कि किशनगंज में पहले से भी था, ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास छोड़ा गया है। भागलपुर कटिहार उनको स्पेशल मिला है, जिसमें भागलपुर इस बार स्पेशल मिला, कटिहार तो ऑलरेडी उनके पास था ही। बिल्कुल। मुंगेर की बात करें अगर 2019 की, तो कांग्रेस के पास मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार था, जबकि आरजेडी के पास भागलपुर था, बांका था, अररिया था और मधेपुरा था। वीआईपी के पास खगड़िया था और आरएलएसपी के पास जमुई था। इन्हीं सीटों को इधर से उधर किया गया है। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने पूरा स्ट्रेटजी चेंज किया है। आप देख रहे हो कि इस बार आपको तेजस्वी यादव न बोलते हुए नजर आ रहे हैं, न स्ट्रेटजी का हिस्सा नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद के ही माध्यम से सारा खेल किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद ने ये सारा स्ट्रेटजी बनाया और सारी जो चीज़ें बदली गई हैं उनमें से लॉ कुश समीकरण का भी एक फैक्टर लागू किया गया है। MOI के बाद लॉ कुश समीकरण को हमने आपको लगातार बताया है कि 6-1/2 दर्जन से अधिक जो है कुशवाहा समाज के नेताओं को उतारना, उसके बाद धानुक समाज के लोगों को मौका देना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि लालू प्रसाद ने पूरा का पूरा वो प्लान जो है फ्लो चार्ट बना लिया है, और उसके आधार पर 2024 का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, जिसमें 2024 में जितनी सीटों पे उनको जीत मिलेगी या उनका प्रदर्शन बेहतर होगा उसका लाभ उनको 2025 में मिल सकता है। और लालू प्रसाद 2024 के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना। और इसके लिए वो पूरी की पूरी कहानी और स्ट्रेटजी रच रहे हैं, जिससे कि अगर वो सांसद जीत करके आ जाते हैं तो वो उनके लिए फायदे का सौदा होगा, और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर 2025 में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या इससे जो नीतीश कुमार हमेशा कुशवाहा समाज हो या जो उनके वोटर है उस पर भरोसा करते हैं, तो क्या लालू यादव का ये जो चक्रव्यूह रचा गया है उसमें जो नीतीश कुमार के वोटर है वो लालू प्रसाद यादव की ओर जा सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार के वोटर की बात करें तो नीतीश कुमार का वोटर इस बार बटा है जी। जिस तरह से लालू प्रसाद आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेटजी बनाए हैं, और नीतीश कुमार ने 17 महीने इधर उधर करके जो अपना क्रेडिबिलिटी खोया है उसका असर तो निश्चित रूप से होगा, और यही कारण है कि लालू प्रसाद को ऐसा लग रहा है कि 17 महीने जो तेजस्वी यादव ने काम किया है उसके आधार पर एक बार फिर से वो स्थापित हो सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से समाप्त होते होते करार पर चली गई थी लगभग राष्ट्रीय जनता दल। 2015 में लालू प्रसाद को साथ लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उनको जीवन दान दे दिया, राजनीतिक रूप से उनको स्थापित किया, और वही काम उन्होंने 2022 में भी किया।
और इसका फायदा भले ही नीतीश कुमार को नहीं मिला हो, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो दोनों में से किसी खेमे पर बने रहे, लेकिन एक बार फिर से जैसे 2015 में उन्होंने जीवन दान दिया था, या फिर एक कहा जाए तो एक दवाई दे दी थी, एक जड़ी बूटी दे दी थी, एक ड्रॉप दे दिया था, जिस ड्रॉप से फिर से जीवित हो गई राष्ट्रीय जनता दल, और वही काम उन्होंने 2022 में भी किया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लालू प्रसाद ये स्ट्रेटजी समझ गए हैं, और जब तक नीतीश कुमार को साइड नहीं करेंगे तो इस लड़ाई में वो सीधे सीधे नहीं आएंगे। यही काम तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी। अब देखना दिलचस्प होगा 2024 के चुनाव के बाद क्या होता है, लेकिन लालू प्रसाद ने 2024 में ही 25 का पूरा पूरा स्ट्रेटजी बना दिया है और उसके लिए जमीन भी तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, तो भीतर की बात में आप बाबा को सुन रहे थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है उनका पलटी मारना और राजद को जड़ी बूटी दे देना, जिसके बदौलत जो राजद है वो इस वक्त जीवित हो गई है, और अब लालू प्रसाद यादव जो हैं अपने ही नीतीश कुमार को जो पलटी मारकर इन्हें जड़ी बूटी देने आए थे, और उसके बाद राजद जो जीवित हुई थी, अब नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर लिए हैं लालू प्रसाद यादव, और पूरी तरीके से नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 से ही ये तैयारी शुरू हो गई है, ताकि 2025 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो थे तेजस्वी यादव, उनको बिहार का सीएम बनाया जा सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।